जबलपुर के रामपुर क्षेत्र में रहने वाली दवा कारोबारी के अग्रवाल के सुने घर में चोरों ने 5 लाख रुपए नगद और 3 लाख रुपए के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। रामपुर क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार दवा कारोबारी के अग्रवाल का पुश्तैनी मकान रामपुर छापर पे है, जहां पर उसकी मां रहती है। पिछले दिनों स्वास्थ्य खराब होने के कारण मां इंदौर अपनी बेटी के घर इलाज कराने के लिए चली गई थी। के अग्रवाल आज जब घर देखने गए तो वहां दरवाजा का ताला टूटा पाया। वहीं घर के अंदर रखा सामान बिखरा, पेटी और अलमारी खुली थी जिसमें रखे रुपए गायब मिले। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद चोरों की सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी है। वहीं के अग्रवाल का आरोप है कि रामपुर चौकी पुलिस द्वारा घटना के बाद से ही उनको ना तो FIR की कॉपी दी गई, ना ही पुलिस किसी भी प्रकार की जांच कर रही है। शंकर मेडिकल हॉल का संचालक हूँ, रामपुर में मेरी दुकान है। ये मेरे एक पैतृक मकान है जहाँ पर हमारी सिर्फ माता जी रहती थी। अभी आजकल वो इंदौर में गई हैं, बीमार हैं, तो इलाज कराने के लिए 2-3 साल से वहीं पर मेरी बहन के पास है। तो उनके सोने मकान में सब ताले आले लगे हुए हैं, तो मैं क्या जाके 2-4 दिन में जाके देख लेता था कि ताले आले बाहर से लगे हैं कि नहीं, देख के चला आता था। क्या कहते कि ताले लगे हैं करके, वो अचानक मैं अभी गया उस दिन तो देखा, मैं 30-31 तारीख की बात है, तो देखा कि सब ताले टूटे हुए थे, सामने सब ताले आले टूटे पड़े थे। तो मैंने बोला यार ताले तो सब लगे थे यहाँ अभी 2-3 दिन पहले जब मैं आया था। तो जाके फिर मैंने इनको चौकी वालों को बताया, थाड़ेश्वर महावर को फ़ोन किया, फिर इसने चौकी वौकी वालों को बुलवाया फ़ोन ऑन करवा के। तो फिर उन लोगों ने वो सब देखा दाखा तो 7-8 ताले तो टूटे हैं करीब, तो सबके कुंदे उखाड़े हैं, और उनने ताले तो टूट नहीं पाए, तो सब वो सरिया डाल डाल के कुंदे उखाड़े उनने, तो मतलब 2-3-5 दरवाजों के कुंदे उखाड़े उनने। लगभग कितने की चोरी? चोरी है करीब 4.5 लाख रुपये। अम्मा का हमारा कैश रखा था उसमें, और 3 तोला करीब सोने के सामान था, मतलब अंगूठी और सोना वगैरह जो था। और नहीं तो आना जाना तो भैया वैसा मकान है, तो भाई पैतृक मकान अब कोई नहीं रहता, तो हम तो आएंगे जाएंगे ना भाई। क्या गोल्ड वगैरह भी है? हाँ, 3 तोला करीब सोना था उसमें, अंगूठी और जो भी सामान था अम्मा का। अब वो हमारी अम्मा तो 94 ईयर्स की हैं, बेचारी बैठ पी हैं क्या, तो वो तो आती जाती नहीं, 2-3 साल से तो आई नहीं थी। जब आती थी तो हमारे जो हम रहते वहीं रहती थी क्या। आपने इसकी FIR की? FIR क्या, मैंने रिपोर्ट की तो FIR की कापी नहीं थी, रिपोर्ट तो उन्होंने ले ली, मेरे 2 बार बयान भी ले ली है, मगर FIR की कापी अभी तक मेरे को मिली नहीं है। जो सूचनाकर्ता थे उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने बताया था कि 8 साल से हमारा मकान बंद है, तो उसके बाद फिर उन्होंने सूचना दी हमको, तो उसकी जांच जा रही है, हम जांच कर रहे हैं उस चीज़ की, जैसा भी होगा हम बताएंगे। अब उसकी जांच जा रही है, हम सब चीज़ें पूछ रहे हैं उनसे, उनके स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, उसका जैसा वो बताएंगे हम कार्रवाई करेंगे।